यार एक बात बताओ, आपने वियतनाम की नेशनल डिश ट्राई की है? दिस इज कॉल्ड वियतनामीज फो, और ये वियतनाम की नेशनल डिश है। वो एक्चुअली मैंने ना यूट्यूब पे वियतनाम के खाने की दो तीन वीडियोस देख ली थी और मेरा इंस्टेंटली मन कर गया था यार वियतनाम जाने का। बट अब वियतनाम तो जा नहीं सकते, मतलब जा सकते हैं बट क्रेविंग्स तो अभी हो रही है ना, तो सीन समझ जाओ। आज मैं पूरा दिन वियतनामी खाना खाने वाला हूँ भाई। इस तड़कते उबलते फो को चेकआउट करना भाई, बड़ी सारी सब्जियां इसके अंदर, और ये जो नूडल्स होती है ना, ये ना राइस से बनी नूडल्स हैं, और इसके अंदर से पालक की क्या खुशबू आ रही है। सही में भाई इसका सूप मैं ट्राई करता हूँ। तो हाँ, पहले मैं आपको फो का सीन बताता हूँ। चिकन के ब्रॉथ के अंदर नूडल्स और वेजिटेबल्स डाल के देते हैं, या फिर चिकन ही डाल के देते हैं, ये सीन है। बट ये वेज फो है तो पूरा सिस्टम वेज है। मुझे लग रहा है पहले ना पानी के अंदर बढ़िया इन्होंने सब्जियां उबाली हैं, फिर उसके अंदर नूडल्स डाली हैं, उनको उबालने दिया एंड देन मुझे सर्व कर दिया। ओह यार ये तो बहुत सही है, मतलब सही मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह मुझे हेल्दी खाने को मिल रहा है। आई मीन इसके अंदर ना बड़े माइल्ड से मसाले हैं, सारा फ्लेवर्स ना मुझे वेजिटेबल्स का आ रहा है। ऑल्सो इस फो के साथ ना मुझे दोनों सॉसेज मिल गए, ये तो मुझे सोया सॉस लग रही है और ये कोई चिली सॉस लग रही है। दोनों डालूंगा भाई इसमें। ओके यूप्स, नाउ वी मिक्स, थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर लेते हैं। ओके लेट्स डाइव इनटू इट। बाप रे फ्लेवर एकदम बदल गया। मैं सच बताऊं, जो मैंने वीडियो देखी ना उसमें तो भाई वियतनाम में वो कीड़े मकोड़े भी खा रहे थे, बट हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, डोंट वरी, हम भाई नॉर्मल वेजिटेरियन या फिर चिकन वाला खाना खाएंगे। बाप रे इसके अंदर चिलीज भी थी भाई, मतलब लिटरली रेड चिली मैंने खा लिया है। ओ बाप रे पेट भर गया मेरा, बहुत मिर्ची लगी भाई। भाई आप पता है सीन क्या है, मैं ना रेडी हो रहा हूँ, फिर एक मैं वियतनामीज कैफे जा रहा हूँ, वहाँ पे बढ़िया वाला वियतनामीज फूड खाएंगे, ठीक है। बट उससे पहले ना मुझे आपको एक बढ़िया सी साइट के बारे में बताना है जिसपे आप अर्न कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके वन विन की वेबसाइट पे जाके या ऐप डाउनलोड करके आपको अपनी फेवरेट गेम चूज करनी है। जैसे मुझे पसंद है ये लकी जेट, इसमें ना आपको पायलट के उड़ने से पहले पैसे कलेक्ट करने होते हैं। मैं आपको एक बार खेल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐप खोलकर लकी जेट गेम पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे 2000 रुपए लगाए हैं और 1.5 का कोफिशिएंट लगाया है और पहली बार में ही मेरा प्लस हो गया। एक बार और ट्राई करते हैं, 2000 लगाए हैं मैंने और दूसरी बार में भी मेरा प्लस हो गया। देखा कितनी इजीली हो गया, और जितने भी मैंने पैसे कमाए ना वो वॉलेट में ऐड हो गए हैं, और अब विड्रॉल के लिए मैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके अमाउंट विड्रॉ भी कर लूंगा और ये डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने ना कॉमेंट्स में लिंक ऐड कर दिया, जाके चेकआउट करो। अब लंच करने चलते हैं। अब लंच के लिए ना तुम्हारा भाई एक बढ़िया से वियतनामी कैफे में आया था भाई। एज यूजुअल नए नए खाने के लिए तुम्हारा भाई इज ऑलवेज एक्साइटेड। मेन्यू खोलते ही ना मुझे ये फो की फोटो नजर आई। अबे यार अभी तो पहला था हमने फो, कुछ नया देखते हैं। अब कंफ्यूजन इतनी थी मैंने इन्हीं को ही बोल दिया कि भाई आप ही कुछ बता दीजिए। इन्होंने मुझे ये चाप का सिजलिंग फिश रिकमेंड की एंड मैंने वो ऑर्डर भी कर दी। भाई ये देखना, ओ भाई साहब क्या शशके वाली डिश है यार ये। भाई सबसे ऊपर ना ग्रेवी थी, उसके नीचे ये फिश एंड सबसे नीचे थी नूडल्स। एक कंप्लीट मील था ये। पहले लेते हैं फिश की एक बाइट। हाँ भाई फूक मारनी जरूरी है, बहुत गर्म थी यार ये। मैं सच बताऊं क्या फ्लेवर्स थे यार इस डिश के, मुझे मसाले एंड पीनट्स का बड़ा यूनिक फ्लेवर आ रहा था। मैंने तो बड़े मजे से एंजॉय किए फिश, बट इससे ना मेरा कुछ खास पेट भरा नहीं। इसके बाद ना मैंने वियतनामीज ड्रिप कॉफी ऑर्डर की। भाई ये कॉफी ना लिटरली इन्होंने मेरे सामने बनाई है, और देखना कैसी ये ड्रिप होके ग्लास में आ रही है, अलग ही सिस्टम है भाई। अच्छा वैसे आपको लगनी ना इसमें थोड़ा और पानी डाल देते तो कप भर जाता, मैंने फुल कप ही मंगाया था, इन्होंने सच्ची मुझे हाफ कप दिया है। बट भाई कॉफी क्या कमाल की थी यार, लाइक बड़ी चॉकलेटी और स्मूथ थी, मतलब एकदम ओए होए वाला सीन था इसका। बट बिल देख के ना मुझे क्या शॉक लगा, 1450 रुपए बिल आया भाई, और पेट भी मेरा अच्छे से नहीं भरा। अब यहाँ से चलते हैं और बढ़िया गाड़ी में कुछ ऑर्डर करते हैं। गाइस पता है क्या, मैंने ना अभी एक क्लाउड किचन से दो बड़े इंटरेस्टिंग वियतनामी स्नैक्स ऑर्डर किए हैं। दिस इज वियतनामी समर रोल, ऐसा लग रहा है इन्होंने राइस की एक लेयर बनाई, उसके अंदर बड़ी सारी वेजिटेबल्स डाली एंड उसको रोल करके फिर चप चप करके सर्व कर दिया। वेट बहुत कुछ है इसके अंदर।
ओ भाई साहब, ये है भाई साटे बाउज। भाई ये तो मैंने कभी नहीं खाया पहले। और क्या है भाई? ओहो, बड़ी सारी इन्होंने चटनियां भिजवाई हैं। पीनट बटर, नुआक चॉम, सिराचा, लेमन ग्रास, चाइव, चिली ऑयल। बाप रे, इतनी सारी चटनी है, अब कौन सी ट्राई करूं, किसके साथ, समझ नहीं आ रहा। भाई पहले ना इस बाओ को खोलते हैं बीच में से, लेट्स सी इसकी कैसी फीलिंग निकलती है। बाय द वे, दिस इज चिकन बाओ, सो आई गेस चिकन को ना मसालों में सॉटे वगैरह किया है, फिर उसके बाउस बनाए, स्टीम किया है, एंड देन हमें सर्व किया है। ओह, बड़े लाइट मसाले हैं। ये है भाई नान चाओ डिप। ओके, ओहो नान सो गुड। इसमें से ना लाइम और स्वीट फ्लेवर आ रहा है, सही में, मतलब मीठा और खट्टा, सही डिप है यार ये। थोड़ा सा ना इसको चिली ऑयल के साथ भी ट्राई करता हूँ। मतलब ठीक है, बट वाइब भी चेंज हो गई भाई इनकी। भाई मैं ना इन समर रोल्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार, कितने हेल्दी से लग रहे हैं ना, सही स्नैक है इनका। इसको ना चिली ऑयल के साथ ट्राई करता हूँ पहले। ओहो हो, मुझे लिटरली ये लग रहा है थोड़ी सी सब्जियों का बंडल खा रहा हूँ मैं। दिस इज वेरी हेल्दी। एक बार ना ये नान चाओ के साथ भी इसको ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक मैं गलत ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसे, मुझे टोकना मत यार, ठीक है, जो है मैं, मुझे यही आता है। सही बता रहा हूँ यार, मतलब आज ना मन सा खुश हो गया मेरा, ऐसी नई नई डिशेस ट्राई करके ना मुझे सच में बड़ा मजा आता है, एंड फूड भी बहुत टेस्टी है यार, सही में। आई थिंक वियतनाम का एक राउंड मारना पड़ेगा, चले भाई साथ चलते हैं। क्या कहते हो गाइस, लास्ट बाइट। मैं ना इसको पैक कर रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ घर, और फिर टू टाइम्स थोड़ी देर सोएंगे और फिर खाएंगे। गाइस योर बॉय इज बैक, और डिनर भी आ गया है। यार डिनर में ना मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वियतनामी डिश मंगाई है, इसे कहते हैं चाओ टॉम। रुको आपको इसका सीन बताता हूँ। चेक दिस आउट भाई, दिस इज कॉल्ड चाओ टॉम, और ये ना एक ट्रेडिशनल वियतनामी डिश है। भाई इसका आपको सीन बताऊं, जो श्रिम्स होते हैं ना उसको ये लोग ग्रिल करते हैं और गन्ने के ऊपर रैप करके देन हमें सर्व करते हैं एक सांटे बना के। ये सीन है भाई इसका, ये बहुत डिफरेंट है, मेरा ना बड़ा मन है इसको ट्राई करने का। भाई बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस इसको खाने का। ये श्रिम तो देखो बहुत डिलीशियस है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इसको ऐसे ही खाना है क्या, गन्ने को भी साथ में चबाना है। इस श्रिम्प की मैरिनेशन में से ना गार्लिक का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। इसको मैं अपनी इस फेवरेट वाली डिप में भी एक बार ट्राई करूंगा। हाँ भाई, इसके साथ भी ये सेम डिप आई है। ओह क्या मजे का लग रहा है यार। भाई सच बताऊं, मैं लिटरली नींद में उठा हूँ, मैं तो सो गया था ऑर्डर करके। जोमेटो वाले भैया ने 2-3 बार मुझे कॉल किया, मैं उठा, उठते मैं ऑर्डर लेके आया, अब भूख भी लगी थी तो जल्दी जल्दी मैं खा रहा हूँ। भाई ये चाओ टॉम बड़े मज़े की डिश थी, बहुत यूनिक थी, मुझे बहुत पसंद आई। अब एक चीज़ और है, दिस इज फ्राइड राइस। एक्चुअली दिस इज क्रिस्पी स्पिनेच फ्राइड राइस। स्पिनेच होता है ना उसको इन्होंने डीप फ्राई किया है और फ्राइड राइस के ऊपर स्प्रिंकल किया है और सर्व किया है। ये भी यार वियतनाम में एक बहुत प्रोमिनेंट डिश है, बट क्योंकि अभी मेरे पास पैक होके आया था तो वो क्रिस्पीनेस तो उसमें इसकी खत्म हो गई, बट आई एम गोना स्टिल ट्राई। ओह बहुत डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। एक्चुअली मैंने ये चिकन क्रिस्पी स्पिनेच फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, तो उसके साथ का चिकन है इन्होंने मुझे अलग से दिया है, और बड़ी यूनिक सी सॉस में ना ये टॉस्ड है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा ही है, ये बारबेक्यू सॉस है भाई, सही में, इट्स मीठी एंड इट एक्चुअली टेस्ट लाइक बारबेक्यू सॉस। हाँ ये बारबेक्यू सॉस ही लग रही है मुझे। एक वाइट डिश चिकन की फ्राइड राइस के साथ ट्राई करते हैं।
नाइस, सच बता रहा हूँ, फॉर मी दिस मील इज 5/5। एक तो फ्लेवर अच्छे, ऊपर से ना मतलब ऐसा लग रहा है मैं कुछ नया खा रहा हूँ भाई। जाना पड़ेगा वियतनाम सही में। अब इसी बात पे ना जल्दी टिकट करा रहा हूँ मैं वियतनाम की, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू सुपर सून द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।